Bati kayo pa. और इंस्टाग्राम पे बनाऊं मैं? तो दोस्तों सेल्फी बिना जालगत मेकअप करो है? हाँ हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। चाची मैं सिर्फ बैठी रही तब तुमने नहीं मारे, तुमने कहा नहीं मारे थे, बिना उतना ही कटेगी चल रही है डाइस। अच्छा लग रहा है ये सिर्फ देखो पाइस का ना। तो फ्रेंड अब आए अपने मायके के चाची के घर है, कहीं छे नहीं कहती ब्लाउज नहीं कहती है छोटी है ना, छोटी तो नहीं है फिर अच्छा ना लगे ब्लाउज में, ब्लाउज धोती ब्लाउज तो अच्छा हो बताओ, धोती बेकार के चक्कर में ब्लाउज काट के ले लिए तो दोस्तों अभी हम अपने चाची जी के घर पे हैं। शाम को आए थे, आप सभी ने देखा था हल्दी रसम ख़त्म होने के बाद में हम चाची के घर आ गए थे और ये है कुछ बाहर का व्यू। और अभी 6:30 साढ़े 6 का टाइम है तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और ये जो सामने कॉलोनी दिख रही है इधर पीछे वाली, तो यहीं पे हमारी दीदी जो है जब उनकी शादी नहीं होती सिलाई करती थी, इसी वाली कॉलोनी में रहती थी, मतलब सिलाई वाला काम जो है इसी कॉलोनी में होता था। और अब जो है चाची भी सिलाई करती हैं तो वो इधर घर पे ही करते हैं। और ये ट्रैक्टर भी हमारे चाचा जी का है। तो अब जो है काफ़ी चेंज हो चुका है, 8-9 साल हो गए हैं तब हम आए हैं, 2014 में आए थे तो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो चुका है, चाची का घर भी चेंज हो गया है पहले से। और यहाँ पे हम लोग नहा धोकर तैयार हो गए थे उसके लिए, उसके बाद फिर से निकलने के लिए तैयार हो गए हैं, अभी जा रहे हैं। बता पापा नाच नहीं पाओ, शादी है तो हम मम्मी साथ बच्चे पापा और दोनों बच्चे और ये हमारी बड़ी अम्मा है और ये जो उधर की साइड बैठी हैं हमारी बड़ी वाली डीजे और ये हमारी मम्मी है। तो मम्मी को तो आप लोग जानते ही हैं और ये हमारी मम्मी से बड़ी हैं, आप फोन कर रही हैं, मम्मी जो है देवरानी चाची हैं और जिनके घर गए थे वो हमारी सबसे छोटी चाची हैं और ये जो हमारी बड़ी अम्मा है ये मम्मी आई थी शादी में हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल है, नाराज हैं, उनकी आँखें नम है क्योंकि मतलब कुछ बात हो गई थी तो उसी की वजह से ये थोड़ा उदास थी। उसके बाद में आ गए हैं इधर भैया जी के घर पर, तो यहाँ पे खाना पीना इतना बन रहा है और ये खाना बनाने वाली दीदी लगी हुई है, मतलब हम लोगों को मतलब घर के जितने भी लोग रिश्तेदार थे घर के लोग थे तो खाना बनाने के मतलब किसी को टेंशन नहीं थी, सभी लोग बैठे बैठे आराम से इंजॉय कर रहे थे और खाना बनाने वाली दीदी लगी हुई थी। और इधर अभी गुना बन रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए जेके टेम्पल, कानपुर का जो जेके टेम्पल है तो वहीं पे घूमने के लिए जा रहे थे तो इन लोगों ने हमें जाने नहीं दिया, बोली कि गुना बना के जाना, बड़ी अम्मा कहने लगी। तो यहाँ पे फिर हमने चलो बना देते हैं उसके बाद में चलते हैं, तो गुना बनाने के चक्कर में जो है जेके टेम्पल का टाइम भी निकल गया था, जब तक हम लोग पहुँचे थे तब तक बंद हो चुका था, 12 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोग पूरे 12:10 पर पहुँच पाए थे वहाँ पर। तो फिर जो है जब तक बंद हो गया था, वैसे पहले निकल जाते थे शायद हम अंदर मतलब पहुंच भी जाते, तो यहाँ गुना बनाने के चक्कर में इन लोगों ने निकलने नहीं दिया और हमारा जो है उधर का टाइम हो गया था, फिर ठीक है टेम्पल जो है बाहर से ही देख लिया था। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय आने वाला है, मतलब मज़ा आने वाला है आप सभी को। तो यहाँ पर साथी के पापा इंतज़ार कर रहे थे कि कब बने और कब हम यहाँ से निकले, तो हमने सोचा आज कुछ काम नहीं है, शादी मतलब शाम को होगी तो जब तक जो है घूम के आते हैं और वैसे भी जल्दी से नहीं आ पाते हैं,
तो फिर इधर गुना वगैरह बन गए थे, यहाँ पे बड़ी अम्मा चाची सभी लोग बैठे हुए हैं और ये लोग देख रहे थे, और हम और हमारी एक बड़ी अम्मा और हैं वो गुना बना लेते हैं। फिर हम दोनों लोगों ने गुना बनाए थे। और उसके बाद इधर ये देखिए भाभी हैं, बुआ हैं और कई सारे लोग हैं, चाची हैं, तो ये लोग बना रही हैं बारातियों के स्वागत के लिए माला। तो यहाँ पे फूलों के माला बन रहे थे बारातियों के लिए, घर पे ही बने हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद भी हम लोग निकल पड़े थे अपने सफ़र के लिए। तो दोस्तों जब तक यहाँ पे आए तब तक 12:10 तो मिनट वैसे रात में अच्छा लगा था यार, लेकिन रात में अच्छा लगा था। और बाहर से ही देख रहे थे खड़े होकर, क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया था रात में, तो बोला टाइम हो चुका है, अब शाम के 4 बजे खुलेगा, 4:30 बजे 12 बजे बंद हो जाता है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुलता है, उसके बाद में 4:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुलता है। तो जब तक हम पहुँचे थे तब तक बंद हो चुका था, तो फिर हम लोगों ने बाहर से ही ऐसे ही देख लिया था। तो वहाँ तक का हम लोगों का किराया भी गया और देखने का, या हम लोग बाहर से ही देख रहे थे, गार्ड जो है अंदर जाने में नहीं दे रहा था। और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा बना है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर से ही वीडियो बना लिया और एक दो रील्स बनाई थी, तो वहीं गेट के पास में ही खड़े होकर हम लोगों ने बना ली थी। तो थोड़ा यहीं तक आने दिया था जहाँ पे हम आर्थर खड़े हैं, उसके आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर हमने कहा चलो रील्स वगैरह बना लेते हैं, कोई नहीं बाहर से ही एक मेरी फैमिली फ़ोटो ले जो है यहाँ से निकलने के बाद में। फिर सीधे गए थे चिड़ियाघर, किधर आ जाए तो फिर इन्होंने कहा चलो जब तक चिड़ियाघर घूमने के आते हैं, मतलब पूरा दिन घर पे भी क्या करते, शादी यहाँ पे निकल चिड़ियाघर। तो सार्थक हमारे बहुत ज़्यादा खुश थे, तो बोले चिड़ियाघर में चिड़िया होगी ना, क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं, पहली बार ही हमारे साथ तक आ रहे थे, तो घुमा के आते हैं। और बच्चों को ऐसी जगह ज़रूर घुमाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो चीज़ देखते हैं तो जल्दी समझ में आती है। और फिर जो है इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था दोनों बच्चों को चिड़ियाघर घूमने का। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बस निकल चुके थे चिड़ियाघर के लिए, उसके बाद 4 बजे तक हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, चिड़ियाघर देखा, और उसके बाद फिर से निकल गए थे, फिर जो है घर पे पहुँच गए थे। ये देखिए तो हम लोग अभी जो है पहुँचने ही वाले हैं। तो दोस्तों जब हम इंटर में पढ़ रहे थे तब हमारा स्कूल की तरफ से टूर आया था, तभी हमने चिड़ियाघर घूमा था। उसके बाद आप जा रहे हैं पति देव के साथ, काफ़ी टाइम हो चुका है, 10-12 साल हो चुके हैं अपने यहाँ पे आए, और काफ़ी काफ़ी चेंज हो चुका है, मतलब पहले जो है कुछ भी नहीं था, सब खाने पीने का मतलब सब कुछ व्यवस्था हो चुकी है, पहले इतना कुछ नहीं था, और कई जानवर भी बढ़ गए हैं, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, और अब जो है काफ़ी व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों का जो टूर आता है ना, बच्चे सबसे ज़्यादा थे, स्कूल के बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, छोटे छोटे भी बच्चे थे, बड़े भी बच्चे थे, ज़्यादातर स्कूल के तरफ से मतलब जो टूर आते हैं बच्चों के वो ज़्यादा थे। जब फैमिली से जो आते हैं घूमने के लिए वो बहुत ही कम लोग दिख रहे थे, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहे थे, क्योंकि अच्छा टाइम होता है इस मौसम में, पता नहीं आ रहे कि नहीं आ रहे। तो टीचर्स लोग टूर वगैरह लाते हैं बच्चों के लिए, घुमाने के लिए आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत पे यहाँ पे हम लोग ने देखी थी ये है बदक, जब सबसे मतलब शुरुआत में ही ये है बदक, तो बदक से ही शुरू किया था देखने, क्योंकि उनके भयक मोबाइल उसके बाद में इधर आ गए थे मगरमच्छ की तरह, क्योंकि मगरमच्छ 4-5 थे जो कि ऊपर बैठे हुए हैं पानी में, पानी से निकल कर ऊपर बैठे हैं, और ऐसा लग रहा था कि आर्थर हमारे बहुत ज़्यादा उन्हें मज़ा आ रहा था देखने, सार्थक और आर्थर को। तो आर्थर तो शायद पापा की गोदी में ही मतलब कंधे पर बैठ कर घूम रहे थे, और सार्थक हमारे बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि चिड़ियाघर काफ़ी बड़ा है और पैदल ही चल रहे थे सार्थक, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर भी हम लोगों ने कई जानवर मतलब छोड़ दिए थे, नहीं देख पाए क्योंकि टाइम हो चुका था, और फिर हमें शादी में भी जाना था,
चार बज चुके थे, फिर हमने सोचा चलो अब चलते हैं। तो मेन मेन चीजें होती हैं तो बच्चों को दिखा दी थी, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे मतलब पार्क बहुत। तो फ्रेंड हम लोग आए चिड़ियाघर घूमने, सभी लोग शादी अटेंड कर रहे हैं, ये देखिए हम लोग चिड़ियाघर घूम रहे हैं। आ जाओ तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा होगा। चलो जल्दी जल्दी घूमो फिर का। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और सभी दोस्तों ने मतलब कल के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और सभी दोस्तों को हमारी मतलब हल्दी सेरेमनी बहुत ज़्यादा पसंद आया, ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे इसके बाद इधर ये देखिए, तो यहाँ पे कई सारे पक्षी थे, बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। कितने बेकार गंदा पानी, नहीं पानी कितने बेकार गंदा है जी, कितने बढ़िया लग रहा बैठे। एक फोटो खिंचवा उन्हें, टिज्जी बहुत बड़ी बड़ी है, अच्छा। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती, अब कुछ ज्यादा ही मतलब हो गई वैसी। जी कौन नीचे रही है, जगती बढ़िया लग रही है, उड़ान चाहिए। आगे आगे चल, चला तुम्हें अच्छा लग रहा है, जा घूम रही। देखो कलर अलग अलग कलर किया है, नहीं डबल करके डाल दिए ना मम्मी, दे शादी वालों अलग डाल दिए। वो मुर्गा देखो कितना अच्छा लगा देगा, ये पी जान। चलते काम आगे आगे चल, लल्ला जो डायनस हो रहा है। तो दोस्तों ये सामने मतलब होटल वगैरह भी खुला है, तो यहाँ पे अब खाने पीने का अंदर सब कुछ व्यवस्था हो चुका है, पहले ये कुछ भी नहीं था। तो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं तेंदुआ के पास, ये देखिए ये है तेंदुआ, वो ऊपर बैठे हुए हैं। तेंदुआ है लल्ला जी, वे बैठे छत पे ऊपर। हाँ वे आग दिखाई रहे, चार है ना, दो उधर बैठे दो इधर बैठे, के बेचारे ऊपर से देख रहा था सब दुनिया, इन्हें देखा ना जो दुनिया देखत बैठे बैठे हैं ना। और देखो छत पत्ते ऊपर से देखा, जो देखो जो सामने जूम करके देखा, वो जूम कर रहे हैं। ये यहाँ क्या दिखाई नहीं, उस तरफ से दिखा मगर जाने का है। ओ पापा अब चलो, फिर जो अलग हो तुमने अलग ही रखा था, खतरनाक हो तुमने अलग रखो यार, बे हमें सीधे लग रहा है लगा।
ठीक है कोई ना जानवर है ठीक है कोई ना सही बात है। और इंस्टाग्राम पे बनाऊं मैं? अबे रुक जा इनकी बना ले। जाओ छुट्टी आता हो जाओ अरे कंपनी चाहिए। दो ही हैं एक वो उधर है। जो सही रहा है। वो भूख को वाला लगा नहीं जो सही रहा है क्या है? चीता यार सही नहीं। जो तो बहुत टाइल लाओ। वो सही है बिल्कुल। वो एक और है वो एक और। आजा आजा बगर रहा है जो ये लोमड़ी ये बगर रहा है। आयरो आयरो देखो एक बगर रहा है। ये थे वीडियो है कुत्ता चलेगा कुत्ता। ओ कुत्ता जो पर जो कुत्ता कुत्ता कैसे हो लगा देखा था और का खाए अरे यार उतर ले। हाँ देखा वहीं बैठी है। अब हम आए थोड़ी देर में हम यहाँ ना है चिड़ियाघर में भाई। ठीक है गंदा कितनी जोर में चिड़िया। तो दोस्तों अर्थर देखिए कैसे देख रहे हैं। आदमी भी नहीं बाजार से बढ़िया भैया बड़ा खुला है। अरे वो गली है। चलो चलो इधर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा सही कही। आर्थर देखिए कंधे पर बैठ कर चिड़ियाघर देख रहे हैं। आर्थर 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 टाटा करो मोबाइल पे टाटा करो। गिल्लू आर्थर जी गिल्लू देखो ये वाओ यार तुम लग रहा है। चलो ना जल्दी जल्दी है चलो है आगे आगे चलाओ। हमारी काका पे कूट देंगे। पापा आए आगे चलना जल्दी जल्दी। आए मैं कहा है मैं कुछ दिखाए तो रहा हूं ना। अच्छा तब भाई अंधेरिया आए उल्लू है साहब तक दिखाने उल्लू जे बैठे उल्लू के मारे अंधेरी आ करी गई मैं को हाथ पकड़ ले लो पागल है बिल्कुल वो जे बैठे जे बैठे जे बैठे। चलो सही कह रही बात मार होता है बहुत बुरा गंदा था इसमें। और चैन के लिए ठंडक करी गई है जी देखो जी अलग जात के हैं सब प्रजाति अलग अलग है इनकी जोड़ी है। चाचा का हाथ पकड़ जे कहाँ सही कांटे वाली सही नहीं रही या तो तुम जो फ्लैश बंद करो अब दिखाता ही नहीं देखो जे चांद हम रात तो भाई अंधेरिया है सही क्रेस्टेड आई मैं दिखा दे तो लोग समझ पाओगे। रोशनी करते दिखाए ये देखो जी ये पास में है दिखा नहीं कि जी अपने कांटे पर ले बहुत वजन है हाय गुफा में घुस ओ में घुस गए बिल में। चलो हम कह रहे हैं आप लोग ज्यादा लंबी हुए तो बहुत डर लगे मतलब बच्चा चंद्र तो डराई है।
करे तो बच्चा आर्थर अच्छी है अच्छी है वाओ आजा इज्जे इधर शीशा साफ है ना इसे एक वजह से बढ़िया दिखाए चलो इधर चलो कितनी मस्त है कितनी अच्छी चमक रहा है अरे जे मान को चले वो दिन अलग पे ना जे देखो जे जे जी वाली कितनी अच्छी लग रही है कहा दिखे ना नीचे देख नीचे बड़ी बड़ी है हम मछली का रबे भाई सी यहाँ सब इतने वाओ इधर तो जे बच्चा बहुत शोर मचा रहा कितनी अच्छी लग रही है बच्चा बहुत शोर मचा रहा है तबाही मारे किल्ली है सार्थक अच्छी है जी वाली कितनी अच्छी लग रही है चलो अब जल्दी करो पता 2 बजे गाँव आए चलो बारे सिंगा स्वयं पुटियर स्वयं पुटियर राइट स्वयं पुटियर थोड़ा थोड़ा दिखा ओए गाया इधर गाया पे सड़िया नहीं वो कौन ना है थोड़ा वो अंदर चलो वो हल उतर आर्थर ने देख लो देखो आर्थर ऊपर बैठे तो चलो टाइम वेस्ट ऐसे सांप आता है जालिम सांप नहीं दरिया है बताओ मिले ना ये वो किनारे किनारे चलो बीच में आ पे जब पानी में रही पाओ तो आओ चलो आओ सेकंड
सो फ्रेंड बब्बर शेर अभी दाड़ रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं बब्बर शेर के पास में। सार्थक बत्ती का पकड़ लिया। बता वो इतनी दूर ही भेजे है, इतनी दूर ही रखा जाए। अभी दाड़ गए तब नहीं दाड़ रहा। इधर इधर से यार इधर से दिख नहीं रहा। ज्यादा ही है सब सही है। आ भाई कहाँ है, रुको बंद कर। आओ इधर आओ दाड़ है एक बार अभी फिर हा? अभी दाड़े का अब नहीं दाड़ है। ज़ूम करो दिख तो रहा सही। अच्छा चलो अम्मी के एक दाँ उठ दाड़ दे बढ़िया रहे हैं। कमजोर लगे कमजोर है वो तो। चलो बूढ़ो है। दोस्तों हम लोग चिड़ियाघर घूम के फाइनली जा रहे हैं घर, तो बहुत अच्छा लगा। सार्थक को मजा आया इधर देखो। देखो हाँ बोलो सार्थक। बहुत मजा आया। लायन तो मजा आया। लायन लायन देखा। सार्थक को मजा आया चिड़ियाघर देखने। मुझे भी मजा आया। और आर्थर ने इस तरह से चिड़ियाघर देखा है पापा के कंधे पे बैठ के। ये देखिए आर्थर आर्थर नहीं तो क्या है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाहर। चलिए दोस्तों 4 बज चुके हैं और अब चलते हैं शादी अटेंड करेंगे फिर जो होगा। तो दोस्तों हम लोग चिड़ियाघर घूम के 4 बजे निकल आए थे घर के लिए। तो चलिए आप मतलब टाइम भी हो चुका है, शाम हो चुकी है। तो आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। और कल जो है आप सभी को शादी का वीडियो देखने को मिलेगा, इसके आगे का वीडियो। तो दोस्तों अब हम लोग शादी मतलब शादी की तैयारी करेंगे जाकर। अब हम लोग भी जब तक पहुंचेंगे तब तक टाइम हो जाएगा, तैयार होंगे जाकर। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग खाना पीना भी खा के नहीं निकले थे, यहीं पे कुछ थोड़ा बहुत खा पी लिया था। तो चलिए दोस्तों अब कल मिलेंगे शादी में। बाय बाय।